दोस्तों मेरा नाम संजय है। आज का पूरा वीडियो एडिनियम प्लांट पर है। ये प्लांट अनोखी आकृति और रंग बिरंगे फूलों के कारण बहुत खूबसूरत दिखता है। दोस्तों आप हमारे चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब हम एडिनियम प्लांट के बारे में कुछ अन्य बातें करते हैं, जैसे कि ये पौधा किस जलवायु में रहना पसंद करता है, किस तरह की इसके लिए मिट्टी तैयार की जाती है, किस तरह का ये फर्टिलाइज़र इसमें दिया जाता है, ये सब बातें हम करते हैं। एडिनियम प्लांट को तेज़ धूप या कम से कम 8 घंटे की धूप बहुत पसंद है। इस प्लांट को जितनी अधिक धूप मिलेगी उतना अच्छा ये प्लांट दिखने लगेगा और उतने अधिक इसमें फ्लोवर आएंगे और फ्लोवर के कलर भी बहुत अच्छे आएंगे धूप के कारण, इसलिए इस प्लांट को छत पे रखा जाता है। एडिनियम प्लांट को पानी बहुत कम पसंद है, इसलिए प्लांट को जब आवश्यकता हो तभी पानी दें। गमले की मिट्टी को ऊपर साइड से 1 इंच करीब खोद के देखें, यदि मिट्टी सूखी है तो ऐसी स्थिति में इसको पानी दें, नहीं तो पानी बिल्कुल ना दें। पानी ज़्यादा देने के कारण इसकी जड़ें सड़ जाती हैं और जो मोटा तना दिख रहा है वो पूरा ख़राब हो जाता है और पेड़ सूख जाता है। बरसात के मौसम में इस प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ पानी ज़्यादा ना लगे। यदि आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो गमले को आड़ा करके भी रख सकते हैं, जिससे उसकी जड़ों के अंदर पानी ना रुके। तेज़ सर्दी में भी इसको बचाना है, यदि तेज़ सर्दी पड़ रही है तो पानी बहुत ही कम देना है और ठंड से उसे बचाना है। एडिनियम प्लांट की कई प्रजातियां होती हैं और जिसमें कई कलर के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। इस प्लांट को कलम से और बीज के माध्यम से ग्रो किया जा सकता है। बीज के माध्यम से ग्रो करने पर इसका जो नीचे का तना है वो अच्छे से आकार ले लेता है और यदि अपन कलम से करते हैं तो उस तरह का आकार नहीं आ पाता है। इसका आकार देने के लिए बीच में एक पत्थर रखा जाता है, पत्थर के ऊपर उसकी जड़ों को चारों तरफ फैला के रख दिया जाता है। धीरे धीरे उस पत्थर को ये ढक लेता है और नीचे से इसका तना मोटा हो जाता है, जिसके कारण ये पेड़ और खूबसूरत दिखता है। पौधे की सेहत, अच्छा स्तंभ, मूल और फूलों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी और पानी के निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए। मिट्टी तैयार करने के लिए 3 भाग मिट्टी में 1 भाग गोबर या बर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे, 500 ग्राम इसमें नीम की खल मिलाएंगे, 200 ग्राम इसमें सुपर फास्फेट मिलाएंगे और 200 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिशन मिलाकर मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में थोड़ी सी रेत भी मिलाएंगे। तैयार किए हुए मिश्रण को एक गमले में भरकर एडिनियम प्लांट के बीज को बो देंगे। बीज धीरे धीरे कुछ दिनों बाद निकलने लगेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे रिपोर्टिंग करके हम दूसरे पॉट में लगा देंगे। इसको कलम के माध्यम से भी ग्रो किया जाता है, लेकिन कलम के माध्यम से ग्रो करने पर उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती है और नीचे का स्तंभ उतना अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए हम ज़्यादातर इसको बीज से ही ग्रो करते हैं। एडिनियम प्लांट सभी जगह नर्सरी पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसकी कीमत 100 रुपये से 500 रुपये तक होती है। ये प्लांट एक नो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, एक बार लगा दिया सालों साल चलता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो इसकी आयु लगभग 15 से 20 वर्ष तक हो जाती है। एडिनियम प्लांट के छोटे से पौधे को गहरे गमले में लगाते हैं हम तो इसकी जड़ गाजर मूली की तरह हो जाती है, इसलिए हम पौधे को उतली हुई कुंडियों, छोटे और कम गहरे गमले में लगाते हैं। करीब 3-4 वर्ष तक इसी में लगा रहने देते हैं। ध्यान रहे हर साल ट्रांसप्लांट करते समय पौधे की जड़ों को मिट्टी की सतह से थोड़ा ऊपर उठा दें, इससे स्तंभ मूल मोटा और अनेक तरह से आकर्षक आकार लिए बनेगा। एडिनियम प्लांट को डेसर्ट रोज, जिसका मतलब रेगिस्तानी गुलाब होता है, इसके नाम से भी जाना जाता है। एडिनियम प्लांट में ग्राफ्टिंग के माध्यम से अलग अलग प्रकार के फूल लिए जा सकते हैं। मैंने अपने अनुभव के आधार पर एडिनियम प्लांट के बारे में जानकारी आपसे शेयर की है।
जिससे आप अपने प्लांट की देखरेख अच्छे से कर सकें। अधिकतर लोग मुझसे यही बात करते हैं कि एडिनियम प्लांट नर्सरी से जब भी लाते हैं वो घर पे लगाते हैं, कुछ दिन बाद वो प्लांट अपने आप मर जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एडिनियम प्लांट का मरने का कारण अधिक पानी देना होता है या फिर अधिक ठंड लगने से ये प्लांट मर जाता है। यदि अपन दो चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ये प्लांट लंबी उम्र तक जीवित रहकर गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा। दोस्तों, आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप खुद अपने गार्डन के प्रॉपर गार्डनर बन जाएंगे। दोस्तों, आपको एडिनियम प्लांट का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।